जो ये मेरे पास में है, इसको ऑर्गेनम बुल्गार या ऑर्गेनम माजोराना इस दो नामों से हम जानते हैं। दो प्रजातियां इसकी होती हैं और स्वीट मार्जोरम भी बोलते हैं। ये स्वीट मार्जोरम का जो पौधा है ये अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आज हम इसके उन्हीं औषधीय गुणों के संदर्भ में बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी पहचान। वैसे तो मरुआ कौन नहीं जानता हमारे देश में। दो प्रजातियां इसकी होती हैं, आप देख रहे हैं एक की जो फूल है वो इस तरह से, इसकी मंजरी जो है वो इकट्ठी हुई हुई है, आप देख रहे हैं जैसे एक फूल की तरह से ये छोटी छोटी फैली हुई है। दूसरा आप देख रहे हैं ये तुलसी की तरह से ये लंबाकार में है। यही दो प्रजातियां मुख्यतया इसमें मिलती हैं, हालांकि एक दो प्रजातियां और भी होती हैं और स्थान के भिन्नता से इसकी पत्तियों में भी थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। कहीं कहीं जैसे ये थोड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं तो कहीं ये थोड़े छोटे पत्ते भी होते हैं। हालांकि मेरे पास पीछे भी इसी का ही ये खेत है तो आप देख रहे हैं ये पीछे के पौधे थोड़े से छोटे हैं। तो ये मरुआ घर में आप लगाते हैं तो इससे जो रोग के जीवाणु हैं, क्योंकि यह पौधों की विशेषता है, आजकल बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आदमी की वो कम हो रही है। तो वो जब इस तरह के सुगंधित औषधीय पौधों को यदि हम लगाते हैं घर के आसपास तो उसकी जो सुगंधी है, उसकी जो खुशबू है, उससे भी बहुत सारे रोगाणुओं से हम बच सकते हैं। बहुत सारे जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया है, उनका जो इन्फेक्शन होने की जो संभावना है या उसके द्वारा आदमी जो रोग ग्रस्त होने की जो संभावना है उसकी संभावना कम हो जाती है। और इस तरह के खुशबूदार पौधों को यदि आप मरुए की एक एक गमले को इसको उठा करके यदि आप रख देते हैं अपने घर के पास में या अपने ऑफिस के बाहर या घर के जहां से आप प्रवेश करते हैं गेट पर, तो घर के अंदर खुशबू भी इससे फैलेगी अंदर तक और आपको अच्छा लगेगा, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग तुलसी को पवित्र मानते हैं, मरुआ को भी पवित्र माना जाता है कई धर्मों में, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या दूसरे धर्मों में भी इसको पवित्र माना गया है। तो ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जितनी सुगंधिदायक पौधा है उतना ही यह इसको आराम से आप कई रूपों में सेवन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं, देखिए बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में मरुआ सर्वसुलभ और अत्यंत गुणकारी और हानि रहित पौधा है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप पुदीने की चटनी बनाते हैं उसी तरह से आप मरुए की चटनी बना करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो मरुए की चटनी के लिए आप इसके पत्तियों को ले लीजिए, ये पत्तियों को लेकर के इसको तोड़ करके पीस करके फिर आप इसको स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में अदरक या हरी मिर्च या थोड़ा नमक इसको डाल करके और चाहे तो इसमें आंवला भी मिला सकते हैं, आप देखेंगे बहुत स्वादिष्ट चटनी इससे तैयार हो जाएगी। जिन बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में मरुए की चटनी बना करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। पेट के कीड़े तो इससे ठीक होते ही हैं और छोटे बच्चे हैं उनको आप चटनी भी नहीं खिला सकते, तो उसके लिए आप इसके कुछ पत्तियों को पीस करके फिर उसमें से आप रस निकालें तो 4-6 बूंद रस भी यदि सुबह खाली पेट बच्चे को पिला देते हैं, आप 3 दिन से 7 दिन पिला दीजिए, उससे आप देखेंगे कि वो बच्चों की जो पेट के जो कीड़े हैं चूरमे हैं सब निकल जाएंगे। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो बच्चों के कीड़ों के लिए, बड़ों के पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मुझे स्मरण है हमारे कनखल के अंदर ही एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं,
शरद जी उनके पिताजी को पेट की बहुत परेशानी रहती थी। वो कोई भी दवाई लेते थे तो कुछ दवाई लेते थे तो या तो दस्त हो जाते थे, कुछ दवाई लेते थे तो कब्ज हो जाता था। तो पेट की जो स्थिति है वो काफी अस्त व्यस्त रहती थी। तो उन्होंने कुछ दिन मरुए की चटनी बना करके उसका सेवन किया। और जिनको इंडाइजेशन की शिकायत है, ये पत्तियों को लेकर के इसको तोड़ करके पीस करके चटनी बना करके थोड़ा सा अदरक डाल करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। जो भूख कम लगना है, पेट का जो अफवारा है उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये अत्यंत गुणकारी पौधा है। इसके अतिरिक्त ये जो पौधा है यह सर्दी जुकाम के लिए जिस तरह से तुलसी गुणकारी है उसी तरह से मरुए के 8-10 पत्ती को आप चाय में चाय की तरह आप उबाल करके उसमें भी आप चाहें तो थोड़ा सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ी सी मुलेठी डाल सकते हैं, और नहीं तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और यदि बहुत ही ज्यादा चाय पीने की आदत है तो चाय पत्ती चुटकी भर डाल के इसको थोड़ी सी पत्तियों को डाल करके आप उबालिए, आप देखेंगे कितनी खुशबूदार कितनी अच्छी चाय बन जाएगी। और ये अत्यंत गुणकारी है। इससे जिस तरह से चाय नुकसान करता है पेट के लिए और चाय से इंडाइजेशन की शिकायत होती है, चाय से आदमी को और विविध तरह के एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ने शुरू हो जाती हैं, तो वास्तव में बहुत ही वो नुकसानदायक है। तो इसके द्वारा इस मरुए के सेवन से, इसकी चाय बना करके पीने से इससे भूख बढ़ेगी और इससे जो पेट की बीमारियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। और इससे जो आपका शरीर है उसकी तंदुरुस्ती को बनाने में इससे आपको भरपूर सहयोग और पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी रहती हो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि यह सर्दी जुकाम के लिए एक अमृत है। तो उसमें आप ज्यादा सर्दी रहती हो तो थोड़ा अदरक मिला दें, थोड़ी काली मिर्च मिला दें, लौंग मिला दें, उसमें मरुए के पत्ते को डाल करके आप काढ़ा की तरह से चाय बना करके पिए। सबसे बड़ी बात तो यह है खुशबू होती है तुलसी में भी बहुत अच्छी होती है, पर इसमें आप देखेंगे बहुत ही प्यारी प्यारी सी इसमें खुशबू आती है, वो आपके मन को भाएगी। यदि आप पेय के रूप में या चाय के रूप में या चटनी के रूप में इसका आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये अत्यंत गुणकारी भी है। और जिनको सर में दर्द है, सर में दर्द रहता हो, माइग्रेन में भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। माइग्रेन के लिए इसके मरुए के 8-10 बूंद इसका रस निकाल लें। रस निकाल करके जिनको बहुत पुराना भी माइग्रेन हो तो इसको रस निकाल करके आप दोनों नाकों में 4-4 बूंद टपकाएं। इससे माइग्रेन में तुरंत लाभ मिलता है। और इसको पीस करके माथे पर भी लेप करने से उससे भी माइग्रेन में पूरा आपको मिलेगा लाभ। तो इसको आप सुबह खाली पेट 4-4 बूंद रस निकाल करके आप डालिए दोनों नासिका छिद्र में, उससे मिलेगा आपको लाभ माइग्रेन के लिए। और इसके अतिरिक्त जिनको मुख की जो दुर्गंध है, कई बार खूब ब्रश किया, खूब पेस्ट किया, फिर भी मुख की जो दुर्गंध है या मसूड़ों की जो परेशानी है वो दूर नहीं होती है, उसके लिए सुबह मरुए की आप इतनी सी इसको तोड़ करके मुंह में रख करके धीरे धीरे उसको चबाते रहें। और उस लार को चाहे आप अंदर भी ले सकते हैं, चाहे उसको थूक भी सकते हैं, उससे आपके जो मुख का स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे आपके मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाएगी, मसूड़े की सूजन में भी उससे लाभ हो जाएगा। और ज्यादा मसूड़े की समस्या है, पानी में थोड़ा मरुए को तोड़ करके कुचल करके डाल दें, थोड़ा नमक डालें, नमक डाल करके उस पानी को उबाल करके उस पानी से कुल्ला करें, कुल्ला करने से इससे मुख की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि गला भी बैठा हुआ है तो उसमें भी इससे मिलेगा आपको पूरा लाभ। तो मुख के दुर्गंध के लिए, गले की परेशानी के लिए, माइग्रेन के लिए, यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है कफ रोगों में, हालांकि हम लोग बनाते हैं स्वासारी क्वाथ करके, स्वासारी क्वाथ अत्यंत कारगर है, सुबह शाम काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करते हुए उस औषधि को बड़े परिश्रम से तैयार किया है। स्वासारी क्वाथ आश्रम या हमारे सारे आश्रम के जितने भी सेवा केंद्र हैं वहां पर उपलब्ध है। कफ के लिए, सर्दी जुकाम के अभी शुरुआत में आप इन मरुए के पत्तों को लेकर के
जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा अदरक डाल करके सुबह एक टाइम काढ़ा बना करके पिए, इससे आपकी भूख ठीक रहेगी, इससे आपका कफ, बलगम या कफ जन्य जो दूसरी परेशानियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये एक पौधा, ये सामान्य रूप से उपलब्ध होने वाला पौधा, सर्वत्र उपलब्ध होने वाला पौधा, इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने खेत, आंगन या थोड़ी सी जगह आपके घर में हो तो जमीन में भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है, हालांकि यह सीजनल जैसा ही है, हालांकि कई महीने तक ये पौधा रहता है। आप इसको लगा करके रखिए और इस तरह के ये भयानक जो व्याधियां हैं इनसे मुक्ति के लिए इस मरुए का सहयोग लीजिए। वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी पौधा है।